अम्बाला प्रशासन, भारतीय किसान यूनियन, बीजेपी सरकार, अम्बाला प्रशासन, किसान यूनियन। अम्बाला में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा न मिलने से नाराज किसानों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। अम्बाला में गत अक्टूबर माह में ओलावृष्टि से किसानों की फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो गई थी। तब से लेकर अभी तक किसानों को उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिल सका। क्या फैसला लिया गया, क्या रहेगा? आज ही फैसला लिया, अभी लगातार जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा लगातार धरना जारी रहेगा। अभी तक क्या नारे लारे ही मिल रहे हैं, कोई आश्वासन? बस लारे ही हैं। आज जो पोल खुल के आई ना प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन पहले कहता था ना 5 दिन 2 4 दिन, पर आज जो DDA ने बात बताई है ना कंपनी की, तो अभी के सारे डॉक्यूमेंट जा लिए और कंपनी तो सोई बैठी है। अगर प्रशासन उसके ऊपर दबाव पाएगा जब भी कंपनी पैसे देगा, अगर इधर कंपनी पैसा नहीं देगी किसानों को, पैसा लेकर ही जाएंगे। हाँ, अब तो जो भी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ धरना जारी रहेगा। प्रशासन के आश्वासन से विश्वास रखेंगे, जिस दिन हमें पूरा वो हो जाएगा भी हमारे अकाउंट में पैसे, उसी दिन धरना उठाएंगे। बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस है, केस उनके लेवल पे पेंडिंग है। जो अनइंश्योर्ड फार्मर्स हैं उनमें और हमारे डिस्ट्रिक्ट से APR सभी फार्मर्स की 31 तक चली जाएंगी, तो उसमें आगे की कार्रवाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लेवल पे की जाएगी। प्रेशर क्यों नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं जो बीमा कंपनी है, जो सभी डिपार्टमेंट कहते हैं हमने अपना काम पूरा करके दे दिया, लेकिन कहाँ अटक रहा है? ये बीमा कंपनी ही ज़्यादा इस बारे में बता सकती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी हमने कॉल किया है। अभी लास्ट टाइम क्या दिया था सर, क्या डेडलाइन है कि कब तक जो मुआवजा मिलेगा? इसकी आउटर डेडलाइन बीमा कंपनी वाले तो वो खुद आके बताएंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कोशिश है कि जल्द रिलीज कर दिया जाए, सभी डिस्ट्रिक्ट की APR चली जाएंगी, उसके तुरंत बाद वो रिलीज कर दी।